आज के वीडियो में साथियों बात होगी ऋतु परिवर्तन से संबंधित। बसंत काल में कैसा हम आहार विहार करें आयुर्वेद के अनुसार कि हम स्वस्थ रहें और ऋतु परिवर्तन में होने वाले संक्रमण से बचे रहें, आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिंह बक्सी आज एक बार फिर अपने YouTube चैनल राकेश सिंह बक्सी पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा मैंने पहले बताया आपको कि आज के सेशन में बात होगी कि ऋतु परिवर्तन से होने वाले संक्रमण से हम अपने आप को कैसे बचाएं, या ऋतु परिवर्तन में होने वाले कफज ज्वर, शीत ज्वर या डायरिया, उल्टी दस्त से कैसे बचे रहें, केवल हमारी लाइफ स्टाइल में चेंजेस करने के बाद इन चीज़ों से हम बचे रह सकते हैं। आयुर्वेद जीवन जीने की कला है, जैसा कि मैं हर बार आपसे बताता हूँ कि आयु के विषय में जो ज्ञान है वो हमारा आयुर्वेद हमको बताता है। हेमंत और सर्दी ऋतु में जो कफ संचित हो जाता है हमारे शरीर में शीतकाल के दौरान, वह धूप ये सूर्य के प्रकाश से प्रकोपित होकर ये बसंत ऋतु में प्रकोपित हो जाता है और कफज ज्वर और शीत ज्वर हो जाता है हमारे शरीर में। कई बार खांसी, सर्दी, जुखाम, नजला ये चीज़ें हो जाती हैं। बहुत से लोगों को इस सीजन में डायरिया या विंटर डायरिया भी देखने को मिलता है। तो साथियों मैं कहना चाहूँगा कि हमारे थोड़े से आहार विहार में परिवर्तन करने से इन चीज़ों से हम बचे रह सकते हैं। तो सबसे पहले हम आहार के विषय में चर्चा करें इधर, तो इस समय कड़वे, कसैले और चरपरे आहार का सेवन करना चाहिए। जैसा कि शीत ऋतु में हम बहुत पौष्टिक और गरिष्ठ आहार चिकने पदार्थ या मावा, घी, खोवा ये खा रहे थे, उनका परित्याग कर देना चाहिए। बसंत काल में हमारी जो पाचन शक्ति होती है वो कुछ दुर्बल होने लगती है, कुछ कमजोर होने लगती है, तो इसलिए हल्के सुपाच्य और पोषक आहार ग्रहण करना चाहिए। इस समय कसैले, जैसे मैंने कहा कड़वे, कसैले, चरपरे यानी कि हरा मिर्च ताजा आने लगता है उसका प्रयोग करें आप। हर रात्रि में हर गुड़ के साथ भूनकर खाएं तो वो काफ़ी आपको हेल्दी रखेगा, स्वस्थ प्रदान करेगा। वो पानी पीने के लिए ताज़ा कूप या जलाशय या आपके झरने या कहें कि जो नल हैं उसका साधारण जो पानी आता है वो पीने के लिए उपयुक्त होता है। ना ही ठंडा करें उसको, ना ही गर्म करें, क्योंकि बसंत में दिन में गर्मी होती है और रात्रि में सर्दी होती है, तो इसलिए इस समय ताज़ा जल पीना चाहिए। जबकि हम ग्रीष्म में ठंडा जल पीने लगते हैं और शीतकाल में गर्म करके पानी पीने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस समय बसंत में आयुर्वेद में बताया गया है कि बसंत ऋतु में आप जो जल पीते हैं वो सादा और ताज़ा कूप का या नल का जल होना चाहिए। इस समय पानी की कमी भी ना हो पाए इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्वयं भी खूब पानी पीते रहें, क्योंकि दिन में गर्मी पड़ने लगती है, धूप के प्रकाश में पसीना आने लगता है और भाप के रूप में अधिक पानी हमारे शरीर से उड़ने लगता है। तो इस समय यदि आप पानी की कमी कर दें तो डिहाइड्रेशन के शिकार हो सकते हैं। बच्चों में भी अक्सर पानी की कमी हो जाया करती, तो उनका भी आप ध्यान रखें। और खाने में आप परवल है, बैगन है, अजवाइन है, ये चावल, गेहूं, मूंग, इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं बसंत ऋतु में खाने के लिए। पेठा यानी कि भूरा या कुष्मांडा भी जिसको बोलते हैं, तो इसका भी प्रयोग करना बहुत ही आयुर्वेद के हिसाब से स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। पका हुआ खीरा है, बथुआ, चौलाई, मेथी, पालक, इन चीज़ों का भी आप प्रयोग, गोभी इस समय आने लगती है, ब्रोकली, इनका भी आप प्रयोग करें तो काफ़ी अच्छा स्वास्थ्य रहता है। पान का सेवन भी इस समय बहुत ही अच्छा बताया गया है। रात्रि में त्रिकुट यानी कि सौंठ, मिर्च और पिपली, मिर्च बोलें तो इधर काली मिर्च को संबोधित किया गया है, तो आप ये त्रिकुट बना के रख लें जिसमें 50 ग्राम सौंठ, 50 ग्राम काली मिर्च और 50 ग्राम मिर्च के तीनों का पाउडर मिला के आप
रख लें, और रात्रि में एक आधा चम्मच इसका सेवन करके गुनगुना जल पी लें, या फिर हरड़ के साथ गुड़ थोड़ा सा खा के, तो उससे भी आपकी पाचन जो शक्ति है वो अच्छी रहेगी। त्रिफला, हर, बहेड़ा और आंवला, इनका भी प्रयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहेड़ा होता है जिसका स्वाद जो है वो कसैला होता है, इसका भी हमको हर बहेड़ा का सेवन करना चाहिए। इससे भी आपकी पाचन शक्ति जो शीत ऋतु परिवर्तन होने के कारण से कमजोर होने लगती है वो अच्छी रहेगी। त्रिफला बनाने का मैंने कई बार वैसे पहले ही बताया, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ, आयुर्वेद में जो त्रिफला बनाने का है, तो कुछ लोग बराबर बराबर मात्रा में हर बहेड़ा आंवला ले लेते हैं, वो सही नहीं है। इसमें 3 भाग आंवला, 2 भाग बहेड़ा और 1 भाग हर, यानी जैसे कहें हम कि 150 ग्राम यदि आप उसमें आंवला ले रहे हैं, तो 100 ग्राम उसमें बहेड़ा लेना है और 50 ग्राम हर लेनी है, तो ये त्रिफला सही है। इस त्रिफला को बना के यदि आप रखते हैं तो ठीक है, नहीं तो दुकानों से मिलता है, दुकानों से ले लें आप, और उसको रात्रि में 1 चम्मच खा के गर्म या गुनगुना जल थोड़ा सा पी लें, तो इससे आपकी पाचन शक्ति बहुत ही अच्छी रहेगी, आपको गैस, कब्ज या डकार या अफरा नहीं होने पाएगा। अपथ्य में कहें तो मीठे पदार्थों का हमको अब त्याग कर देना चाहिए, चिकने, पौष्टिक या रबड़ी, मावा वगैरह जो है इनका परित्याग कर देना चाहिए, बहुत ही कम मात्रा में इनका सेवन हमको करना चाहिए। गरिष्ठ आहार में जैसे ईख है, गन्ने का रस है, उड़द है और सिंघाड़ा है, पोई की साग है, ये भी बसंत ऋतु में बहुत ही सख्ती से मना की गई है, इसकी पोई का साग भी बसंत ऋतु में नहीं खाना चाहिए, और बहुत शीतल जल का सेवन भी नहीं करना चाहिए, केवल शुद्ध सादा ताज़ा कूप का जल या आपके नल का जल आपको सेवन करना चाहिए। केला भी बसंत ऋतु में नहीं खाना चाहिए। बसंत ऋतु की विशेषता होती है दिन में जहाँ पर बहुत अधिक गर्मी लगने लगती है, वहीं पर रात्रि में बहुत अधिक ठंडी होती है, तो कहीं भी यदि आप बाहर जा रहे हैं तो साथ में अपने गर्म कपड़े जरूर ले जाएं। देखा देखी एकदम से कपड़े कम ना करें, जैसे बहुत लोग कम, उनकी तासीर होती है कि वो कम केवल टी शर्ट में घूमने लगते हैं, तो उनकी तासीर है, लेकिन यदि आपकी तासीर गवाह नहीं देती तो आपको गर्म कपड़े सुबह शाम जरूर पहनना चाहिए। एकदम से रात्रि में भी यदि आप शौच के लिए उठते हैं तो सीधा उठ के ना जाएं, कुछ शरीर पे पहने रहें कपड़े, थोड़े से मोटे कपड़े या गर्म कपड़े पहने रहें, और दिन में यदि धूप में आप जा रहे हैं तो उस समय आपको अधिक जो डार्क रंग शीत ऋतु में पहने जाते थे अब वो बंद कर देनी चाहिए। इसके लिए गुलाबी है, आसमानी है, पीला है या खाकी कलर है या प्रिंट कपड़े हैं, इस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए, जो ऊष्मा का अवशोषण तो ना करें पर इतने पतले भी ना हों कि आपके शरीर को ठंडी हवा से प्रभावित कर दें। तो सामान्य सूती कॉटन के कपड़े आप पहने। बसंत ऋतु में तीर्थाटन का विशेष महत्व है, इस समय बाग बगीचे में घूमने का भी विशेष महत्व बताया गया है, बसंत उत्सव मनाया जाता है, इसी आधार पर हमारी भारतीय संस्कृति में मेले लगाए जाते हैं बहुत सी जगह, तो उधर भी बाग बगीचे में घूमने का प्रासंगिक बताया गया है, और ये प्यार करने की सबसे अच्छी ऋतु भी बताई गई है बसंत ऋतु। सुबह उठकर व्यायाम, कसरत, थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के बाद मालिश करने का विधान भी है, यदि आपको समय मिलता है तो सप्ताह में 2 बार 3 बार अपने शरीर पे नारियल तेल है, तिली का तेल है, अलसी तिली का तेल सर्वोत्तम होता है, तिली का तेल बसंत ऋतु के हिसाब से, क्योंकि हल्की गर्मी भी होती है दिन में, तो इससे मसाज करने के बाद उपटन का भी आयुर्वेद में वर्णन आया है, तो उपटन करने के लिए सबसे अच्छा होता है 50 ग्राम बेसन के आटे में थोड़ा सा दूध या तेल मिला लें, और उसके साथ गुलाब जल भी मिला लें सुगंध के लिए, और इससे बने हुए पेस्ट को अपने मुंह पे लगा के थोड़ी देर बाद उसको साफ कर देने से काफ़ी अच्छी चमक और स्किन में ग्लो आ जाता है, और जो शरीर में झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं उनसे भी दूर रहा जा सकता है। रात्रि में 1 गिलास दूध में यदि एक
चम्मच शुद्ध देसी घी मिलाकर पिया जाए तो चेहरे पर झुर्रियाँ पूर्णतः गायब हो जाती हैं और बहुत ही सुंदर ग्लो स्किन पे आ जाता है। ये बसंत ऋतु की आहार और विहार और दिनचर्या अपनाने से आपको काफ़ी अच्छा एक हेल्दी लाइफ स्टाइल प्राप्त होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।